आज मैंने एक कुछ नई चीज़ लगाई थी, सोचा कि आपके साथ मैं शेयर कर दूं। तो जैसे कि आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रही होगी कि वह कौन सी चीज़ मैंने नई लगाई है, दोस्तों आज की वीडियो में ना दो बेबी पिजन आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, यकीनन आपको पसंद आएंगे माशाल्लाह। ये देखें, ये हमारे सारे कबूतरों के केज हैं और आज केज नंबर 1 से आपको शौक करवाएंगे माशाल्लाह। तो आप देख रहे होंगे कि क्या चीज़ आसिम भाई आपने नई लगाई है। ये फ्लैश लाइट मैंने नई लगाई है जैसे कि आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रही है, और साथ में ये माशाल्लाह हमारा बैनर भी साथ लगा हुआ है, ऊपर हमारा पिंजरा, और जो ये वाली फ्लैश लाइट है इसकी सारी रोशनी यहाँ पे नीचे आएगी। जब हमारे कबूतर शाम को उतरेंगे ना, ये फ्लैश लाइट हमारे कबूतरों के लिए कामयाब होगी। तो अभी आपको केज नंबर 1 से आपको बेबी पिजन का शौक करवाते हैं और इनका केज खोल के आपको दिखाते हैं आज आपके साथ मैं कौन से अपने बेबी पिजन शेयर करने वाला हूँ माशाल्लाह। इस वाले केज के अंदर दोस्तों निकले हुए हैं टोटल 4 बच्चे। 2 बच्चे तो मैंने पहले आपके साथ मैंने शेयर कर दिए थे, जो आप 2 बच्चे हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो माशाल्लाह ये देखते हैं, जो सारे बच्चे बैठे हैं ना, ये आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। और संटा के अंदर देखें दोस्तों, इनके माँ बाप भी बैठे हुए हैं। तो अगली वीडियो के अंदर इनके माँ बाप को आपको शौक करवाऊंगा, अभी इनके बेबी पिजन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले इनको यानी कि दूर से आपको दिखा देता हूँ, ये माशाल्लाह बैठते किस किस्म के हैं माशाल्लाह, आप चेक कीजिएगा। एक बच्चा ये है जीरो कली का और एक इसके पीछे बैठा है, ये देखे दोस्तों, ये बच्चों की बैठनी है। तो यकीनन आपको अच्छे लगेंगे। अभी आपको पकड़ पकड़ कर अलग बच्चे का भी आपको शौक करवाते हैं। और इस वाले बेबी माशाल्लाह, ये दूसरा बच्चा देखें दोस्तों, ये जनाब इसके पीछे माँ बाप बैठे हैं, अभी आपको पकड़ के दिखाते हैं ये कैसे हैं। ये दोनों बच्चे मैं पकड़ के ले आया हूँ, और सबसे पहले इनकी नस्ल भी बता देता हूँ, ये किस नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। और इनकी नस्ल जनाब, जो इसकी माँ थी वो जनाब ओरिजिनल टेडी थी, जो कबूतर इसके साथ मैंने लगाया था वो जनाब देसी था। और इनके 2 भाई भी बड़े मेरे पास मौजूद हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अभी आपको ये दोनों बेबी पिजन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ माशाल्लाह। ये देखें, ये जनाब नर बनेगा और ये वाली जनाब मादी बनेगी माशाल्लाह, ये देखिएगा। तो अभी आपको पहले सबसे एक बच्चे का शौक करवाते हैं, उसके बाद आपको दूसरे बच्चे का शौक करवाते हैं। अच्छा जी, ये बच्चा नंबर 1 आ गया, और सबसे पहले आपको इसकी टेल दिखा देता हूँ, टेल कैसी है माशाल्लाह, ये देखिएगा, ये इस बच्चे की टेल है। और आपको फिर से बता दूँ, ये जनाब टैडी कबूतरी थी और देसी कबूतर था, उनसे ये क्रॉस होकर ये बच्चे निकले हैं। और इनके बड़े भाई मेरे पास 2 मौजूद हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट इनका रहा है। तो आपको मैंने टेल दिखा दी माशाल्लाह, ये देखिए दोस्तों, ये इस बच्चे की टेल है। और उसके बाद आपको पर खोल के दिखा देता हूँ, ये देखें, ये जनाब इसका पर पल्ला अभी मेरे ख्याल में ठीक होगा। अभी दूसरी साइड भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें दोस्तों, ये जनाब इसका पर है। और लास्ट वाले 3 पर भी आपको दिखा देता हूँ, ये जनाब देखें, लास्ट वाले 3 पर हैं। अभी ये बाहर वाला पर और आ रहा है, जैसे कि बड़े उस्ताद कहते हैं, यानी कि 10वां छोटा होना चाहिए, 9वां बड़ा, 8वां उससे छोटा, ये इसका पर है। और जोड़ों की बात करें तो जोड़ इसके बिल्कुल बंद है, ये जनाब इसके पंजे हैं। और लास्ट पे आपको इसकी आँख भी दिखा देता हूँ, आँख कैसी है दोस्तों, ये जनाब इसकी आँख है, अभी बिल्कुल 0 कली का है, कच्ची आँख है, ये देखें दोस्तों, ये अब कलियार हो गई, ये देखें, ये इस बच्चे की आँख है। अभी आपको दूसरा बच्चा भी दिखा देता हूँ, ये आ गया जनाब दूसरा बच्चा, जो मादी थी, यानी कि पहले आपको नर बच्चे का शौक करवाया, अब ये दूसरे यानी कि फीमेल जो बच्चा है माशाल्लाह बिल्कुल 0 कली का है। और ये देखें, अभी आपको इसकी सबसे पहले आँख दिखा देता हूँ, आँख देंगे दोस्तों, ये आँख है, कभी कच्ची आँख है ना, इसलिए जब इसने प्योर वाइट करनी है, जब इसकी पक्की आँख हो जाएगी। अब देखें दोस्तों, ये देखें, ये इस बच्चे की आँख है, और साथ में ये बच्चे की टेल है, ये टेल देखें एक पत्ते की, जैसा कि बड़े उस्ताद कहते हैं हमेशा की तरह। और साथ में इसका पर भी खोल के आपको दिखा देता हूँ, ये देखें दोस्तों, ये इसका पर है। और इसके लास्ट वाले 3 पर भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें दोस्तों, लास्ट वाले 3 पर देख लें। और दूसरी साइड भी आपको दिखा देता हूँ,
ये देखें, ये मैंने फुल पल्ला खोला हुआ है, यहाँ तक नहीं खोला हुआ, फुल खींच के खोला हुआ है। ये जनाब इसका पल्ला है, और साथ में आपको पंजे भी दिखा देता हूँ। पंजे इसके कैसे हैं ये देखें दोस्तों, ये इसके पंजे हैं और जोड़ इसके बिल्कुल बंद हैं। तो माशाल्लाह ये आज की वीडियो थी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करके जाना है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।